नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी रियल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाव भाजी कैसे बनाए जाते हैं। आपने नुक्कड़ वाली दुकानों से पाव भाजी लेके खाई होगी, लेकिन अगर आप घर पे पाव भाजी बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगी। बाहर की पाव भाजियों में ज़्यादातर मिलावट होती है, गली सड़ी सब्जियाँ डालकर वे पाव भाजी बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पाव भाजी आप घर पे ही बनाकर खाइएगा, बाजार से लेकर नहीं खाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं पाव भाजी में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, कटे हुए आलू, मटर के दाने, कटे हुए शिमला मिर्च। अब हम कटे हुए आलू अपने बर्तन में डाल लेते हैं। अब इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। अब इसके अंदर मटर डाल देते हैं और इसके अंदर एक गिलास पानी डाल के इन्हें उबाल लेते हैं। अब इसे उबलने देते हैं और इसे ढक देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे आलू पक चुके हैं या नहीं पके हैं। देखिएगा, हमारी सारी सब्जी पक चुकी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई में घी डाल देते हैं। अब हम अपने घी के अंदर प्याज डाल देते हैं, मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा जीरा डाल देते हैं, उसे अच्छे से हिला देते हैं। अब इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए इसे पकने दीजिएगा। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं। अब भाजी को हल्की आंच पर पकने दें और इसे ऐसे ऐसे हिलाते रहें। तब तक मैं इसके लिए पाव तैयार कर लेते हैं। अब हम अपने पाव के अंदर थोड़ा मक्खन लगा लेते हैं। सारे पाव हमें इसी तरह तैयार करने हैं, सभी के अंदर हमें इसी तरह मक्खन डालना है। देखिएगा, हमारी भाजी तैयार हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे सेक लेते हैं, दोनों तरफ इसके मक्खन लगा लेते हैं। आप चाहो तो ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन हमने पाव लिए हुए हैं और दोनों तरफ से इसने सेक लेते हैं। देखिएगा, हमारे पाव बहुत अच्छे से सेक चुके हैं। अब हम इन्हें उतार लेते हैं। देखिएगा, हमने सभी पाव इसी तरह सेक लिए हैं। भाजी के गार्निश के लिए थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, थोड़ा धनिया रख देते हैं। अब हमारी पाव भाजी तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली रेसिपी में एक नई डिश के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।